हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ सुकांत अनिवार वाचिंग योर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑनलाइन। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रहा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से, महाराष्ट्र में जैसे कि कोविड केसेस लगातार बढ़ रहा था उसी दौरान जो किया है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने पोस्टपोन कर दिया अपना क्लास 10 और 12 की जो एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है, वो पोस्टपोन कर दिया है। अभी 2-3 घंटे पहले ये पोस्टपोन हो गया है बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा होगी, अगर इस जो न्यूज पोर्टल है बिजनेस टुडे की अगर बना जाए तो यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि स्टेट बोर्ड ऑफ क्लास 10 एंड 12 हैव बीन पोस्टपोनड इन महाराष्ट्र इन लाइट ऑफ एक्सट्रीमली बैड कोरोना वायरस सिचुएशन इन द स्टेट। एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड अनाउंस्ड ऑन मंडे, और आज ही जो है वो अनाउंस हो गया है कि क्लास 10 और 12 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन हो गया। क्लास 12 एग्जाम विल बी हेल्ड बाय द एंड ऑफ मे, व्हाइल द 10 स्टैंडर्ड एग्जाम विल बी इन जून। अगर देखा जाए 23 अप्रैल से शुरू होना था एग्जामिनेशन, वो पोस्टपोन हो गया है। तो मेनली यही था महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में मैंने डिस्कस किया कि 10th और 12th की जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया। अभी ये क्वेश्चन आता है कि सीबीएसई आईसीएसई का एग्जाम का क्या होगा, और मेनली जो सेंट्रल बोर्ड्स है वो महाराष्ट्र के अंदर जो स्कूल चलाते हैं वो उसका जो बोर्ड एग्जामिनेशन 4 मई से होना है 2021, तो उसका क्या होगा। तो उस रिलेटेड एक लेटर वो भेजा है सीबीएसई और आईसीएसई को एजुकेशन मिनिस्टर, उसको रिकंसीडर करने के लिए रिक्वेस्ट किया है एग्जाम डेट्स को रिकंसीडर करने के लिए। तो क्या इस वक्त महाराष्ट्र बोर्ड ने जो पोस्टपोन कर दिया, अभी सीबीएसई आईसीएसई क्या पोस्टपोन कर देगा, तो ये बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा और ये वक्त ही बता पाएगा। तो मेनली इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन देना था, अगर इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों में। इफ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू हिस्ट्री ऑनलाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।